एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? ये बहुत आता है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम करने जा रहे हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और दूसरा हम इस चीज़ का आंसर देने जा रहे हैं, हम मैग्नेट को गोल क्यों लेते हैं, कनकेव शेप क्यों लेते हैं, स्ट्रेट नहीं लेते, गोल लेते हैं, ऐसा लेते हैं। तो आप पहले एक पॉइंट को समझें, अगर मैं इस डायग्राम को देखूं तो ये डायग्राम मेरा टॉप व्यू है गैल्वेनोमीटर का। टॉप व्यू कैसे, मेरा एक्चुअल गैल्वेनोमीटर कैसा था, मेरा गैल्वेनोमीटर के अंदर जो फिगर थी वो ऐसी थी, ठीक है। इसके अंदर ये सिलेंडर देख रहे हो जिसके ऊपर लपेट रखी हैं कॉइल्स, इसका टॉप व्यू ऊपर से देखो आपको सिर्फ सर्कल नजर आ रहा है। तो ये देखो, ये मैंने सर्कल बाहर निकाल लिया इसका, तो ये पूरा सिलेंडर है, इसके ऊपर वायर लपेट रखी हैं, मैं टॉप से देख रहा हूँ, मुझे सर्कल दिख रहा है, वायर्स हैं, और साथ में क्या पड़ी हुई है यहाँ पर, मैग्नेट्स। तो इमेजिन कर पा रहे हो इसमें मैं कैसे समझा रहा हूँ इसमें, तो ये टर्न्स हैं इसमें, और ये पूरा सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स इस पर लपेट रखे हैं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि आपने जो मैग्नेट्स ली वो आपने कनकेव शेप क्यों ली? तो आप एक पॉइंट का आंसर देखो, अगर मैं मैग्नेट ऐसा लेता हूँ, स्ट्रेट मैग्नेट लेता हूँ, नॉर्थ एंड साउथ सीधा से लेता हूँ, तो बीच में ये मेरा टॉप व्यू है, इसके ऊपर वायर्स लपेट रखी है मैंने ऐसे अंदर की तरफ, तो ये मेरा डायग्राम है। अब देखने वाली बात क्या है कि जो मैग्नेट्स होती हैं उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ होती है। आप ये चीज़ देख रहे हो, प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड इसको मिल ही नहीं रहा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट जा रहा था तो ये वाला पोर्शन बाहर चला गया, ये भी बाहर चला गया, तो बहुत सारी लाइन्स बाहर चली जाएंगी, तो इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिल नहीं पाएगा। लेकिन अगर मैं अपना मैग्नेट ऐसा लूं, ये सॉरी ऐसे लूं, ये नॉर्थ और ये साउथ, ये मैग्नेट है और ये मेरा बीच में ये कॉइल्स हैं, ये देखो ये टर्न्स हैं इसमें, तो अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा नॉर्थ से साउथ ट्रेवल करती हैं, और इलेक्ट्रोस्टैट्स की तरह मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हमेशा मैग्नेट के परपेंडिकुलर ही स्टार्ट होती हैं और परपेंडिकुलर ही एंड होती हैं। तो आप ये देखें कि जब यहाँ से लाइन निकलेगी तो इसके साथ 90 डिग्री पे निकलेगी, और यहाँ से घूम के उसको ऐसा जाना पड़ेगा क्योंकि इसको एंट्री भी 90 भी चाहिए, निकलेगी 90, एग्जिट भी 90। तो आप चेक करें, ऐसी लाइंस कुछ इस तरीके से पास होंगी, ये देखो ऐसे पास होंगी सारी की सारी लाइंस, ऑलमोस्ट कहाँ से पास हो रही हैं, कॉइल में से पास हो रही हैं, तो इसको एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। सीधा रखने से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलता, कॉनकेव शेप लेने से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मिलता है क्योंकि सारी लाइंस सेंटर से पास हो जाती हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो पहला आंसर समझ में आ गया क्या, कि हम इसमें पोल्स ऑफ मैग्नेट को कनकेव शेप में क्यों लेते हैं, सो एज टू हैव यूनिफॉर्म स्ट्रोंग एंड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। अब पॉइंट ये है, यूनिफॉर्म स्ट्रोंग तो समझ में आ गया, अब ये रेडियल वर्ड क्या है? तो क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड? तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इज दैट फील्ड इन विच प्लेन ऑफ कॉयल ऑलवेज लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जैसे ये कॉयल है और मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस भी इसी में से क्रॉस कर रही हैं, इसी प्लेन में, ताकि टॉर्क इनमें क्या जनरेट हो, मैक्सिमम। और मैं ये चाहता हूं कि कनकेव शेप मैग्नेट्स लूं ताकि सारी लाइंस कॉयल में से पास हो जाएं, ताकि स्ट्रॉन्ग फील्ड हो, यूनिफॉर्म फील्ड हो और रेडियल हो, रेडियल का मतलब कॉयल के साथ चली जाएं, ताकि टॉर्क उसमें क्या जनरेट हो, मैक्सिमम। तो ऐसे फील्ड को क्या बोलते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, ऑनलाइन क्लियर है? यस सर। तो अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, फॉर्मूला तो किया ही एक है सिर्फ गैल्वेनोमीटर का, तो उसके ऊपर न्यूमेरिकल, क्योंकि आपको इसमें कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ टर्म्स पता होनी चाहिए, टर्म्स हैं क्या। देखो,